लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं संसार कारुण्यरूपं करुणावतारं रूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वाताद्मजं वा नरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया। जी और भाई और बहनों, इस रामायण क्लास में आपका पुनः स्वागत। और आप, हम जानते हैं, हम अयोध्या में प्रवेश कर चुके हैं और आदरणीय भाई श्री राकेश चौबे जी इस क्लास को संचालन कर रहे हैं या इसको पढ़ा रहे हैं, जैसे भी आप उचित समझें। तो अब आगे क्या हो रहा है इसके बारे में हम चौबे जी से सुनते हैं। जय श्री राम चौबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुगपानी। आप सभी को मेरा प्रणाम, इस मंच को नमन। आज हम दोहा 25 से 60 तक की चर्चा यहाँ पर करेंगे। जैसा पहले मैंने थोड़ा सा अयोध्या कांड के बारे में बताया था, तो यहाँ इस जो मैं प्रसंग दे रहा हूं उसके बारे में थोड़ी सी दो चार बातें करूंगा कि अयोध्या कांड की एक जो विशेषता है वह यह भी है कि प्रत्येक 25वां सोल्ठा है। जैसे अभी 25वां जो दो आएगा वो सोल्ठा आएगा और उसके ऊपर छंद है। वह तुलसी वह छंद जो है उसकी विशेषता, हर छंद की विशेषता यह है कि उसमें तुलसी शब्द आया हुआ है। तुलसी नृपति भव भव्यता वस काम कौतिक लेख ही। ऐसे ही अगर आगे जाएंगे तो 50वें नंबर पे जो आएगा वो फिर सोल्ठा आएगा, उसमें तिमी अवध तुलसी दास प्रभु बिन समझी गौ जिय भामनी। तो ऐसा क्रम आपको एक देखने को मिलेगा। इसमें एक विशेषता यहाँ पर जो मेरा है वो पूरे अयोध्या कांड में आगे मिलेगा आपको यह। उसके बाद जो प्रसंग की मैं यहाँ पर जो आपसे चर्चा कर रहा हूँ वो मानवीय भावनाओं का अभूतपूर्व अलंकरण आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। अयोध्या कांड जो है जीवन के आदर्श और व्यवहार को स्थापित करता है। जो मैं अभी जिस पोर्शन की अभी आप जिस विषय अपन 24 से 60 तक दोहे की जो बात कर रहे हैं वो जीवन को आदर्श और व्यवहार को स्थापित करता है। वो यह बताता है कि कैसे आदर्श नियम कानूनों में बंधकर व्यवहार के आगे समर्पण कर देता है, जिसे आजकल आजकल की भाषा में आइडियोलॉजी या आइडियल थिंकिंग या प्रैक्टिकल थिंकिंग से हम लोग जो है वो पहचानते हैं कि ये व्यक्ति बहुत आइडियल है या ये इसकी थिंकिंग बहुत जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है। वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो प्रभु श्री राम है और राजा दशरथ जो है वो आइडियल थिंकिंग पे चल रहे हैं, मगर जो कैकेयी और मंथरा है वो व्यवहारिक है। इस पर हम आगे भी बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा हमें ज्ञात है कि बाबा ने जो ये महाकाव्य जो है उसमें प्रारंभ में ही कहा है कि नाना पुराण निगमागम की बात उन्होंने करी है, तो यहाँ पर नीति शास्त्र की बात भी हमें देखने को मिलेगी। बाबा का जो ये महाकाव्य है वो पारंपरिक महाकाव्य है। पारंपरिक इसलिए है कि ये अवधी भाषा की जो विशेषता है, छंद दोहे और चौपाइयों में लिखी गई है भाषा। तो बाबा ने अवधी के जो ग्रामीण अंचल की जो भाषा है उसका मुहावरे और लोकोक्तियों में बहुत सुंदर प्रयोग किया है। जैसे अछत है, अरगानी है, घर फोरू है, टढ़ावो है, भिनुसार है, ठुकर सुहाती है, आदि आदि। इनका उपयोग बहुत सुंदर ढंग से कथा प्रसंग को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। अब आज का प्रसंग दोहा 25 से 60 की मैं कथा सार आपको सुनाता हूँ कि इसमें कथा क्या है। कैकेयी अपने व्यावहारिक मकसद में सफल होती है और राजा दशरथ अपने सिद्धांतों के कारण मजबूर हैं। श्री राम की शपथ और दिए वचनों में बंध गए हैं।
जिसका लाभ माता कैकेयी उठाती हैं। अपने दो बचनों को वो मांगती हैं। पहला बचन जो मांगती है वो भरत को राज्य और दूसरा श्री राम को वन। राजा दशरथ कैकेयी को बहुत समझाते हैं कि मैं जो है भरत को राज्य देने के लिए तो तैयार हूं, परंतु श्री राम को मैं जो है वो वन नहीं भेज सकता। माता कैकेयी समझ जाती है कि राजा जो है पितृ मोह में, राम के मोह में फंसे हुए हैं। तो वह रघुवंशियों की दान की कहानी सुनाती हैं। उसके बाद राजा शिवी, दधीचि और बलि की कई प्रतिज्ञाओं की कहानी सुनाती है। कैकेयी राजा के अपने वचनों और कुल मर्यादा में कसती जाती है। दशरथ जी कैकेयी को विश्वास दिलाते हैं कि उनके लिए उनके दोनों पुत्र दो आंख के समान हैं, और इस विषय में क्या माता कौशल्या का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना मैंने उनसे कोई सलाह ली है और ना ही उनने मुझे किसी प्रकार का इस बारे में दबाव दिया है। मगर कैकेयी इस बात को मानने को तैयार नहीं रहती है, और वह भरसक कोशिश करती है कि जो है वो अपने जो दोनों वचन है उनको राजा से ले ले। राजा जो है अपना प्रयत्न करते हैं कि कैकेयी को जो है वो समझाने की कोशिश करते हैं। प्रभु श्री राम के व्यवहार, उनके स्वभाव, उनके आदर्श की बात करते हैं, मगर कैकेयी को ये बात सब बातें समझ में नहीं आती है, और वो अपने आक्रोश में, अपने आवेश में इतना तक कह देती है कि मैं, जैसे कहते हैं ना हम लोग आपस में कहते हैं कि देख लेना मैं देख लूंगा तेरे को तूने ऐसा कहा, तो इतना तक वो कह देती है। कौशल्या यहाँ साका तक की बात कर देती है कि मैं जो है कौशल्या से साका लूंगी, मैं उसको बदला लूंगी, मैं उसको सबक सिखाऊंगी। यहाँ तक की बात आगे बढ़ जाती है। तो राजा दशरथ जो है वो बहुत दुखी हो जाते हैं और उससे बोलते हैं कि यह तो तेरा कोई दोष नहीं है कैकेयी, यह तो समय का प्रभाव है, जो मेरा काल जो है वो तेरे रूप में जो है वो मेरे सामने आ रहा है, मगर मुझे दुख इस बात का है कि यह असमय आ रहा है। आगे भी कैकेयी को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि देख तू अभी भी मेरी बात मान ले, सभी भाई एक साथ होंगे, राम राजा भी होंगे, परंतु यह अपयश तेरे सर आएगा और तू इससे पछताएगी। परंतु कैकेयी अपनी जिद में अड़ी रहती है, और जब आदमी जो है एक बार अगर गलत विचार में, तो वो अपने आप को उस गलत विचार के लिए सही सिद्ध करने की कोशिश करता है। वही यहाँ पर कैकेयी जो है वो प्रयास कर रही है। जब राजा देखते हैं कि वो जिद नहीं छोड़ रही है, तो वो बड़े दुखी हो जाते हैं और उस पश्चाताप में कि मैं कहाँ, मेरे से गलती हो गई, और वो बेहोश हो जाते हैं। रात निकलने को है, पूरी अयोध्या भी राज्याभिषेक की तैयारी में लगी थी, राजभर वो भी जगे हुए थे, मगर उनने देखा कि राजा दशरथ तो समय पर उठ जाते हैं, आज क्यों नहीं उठे। सबको इसकी जो है वो बड़ी उत्कंठा होती है। सुमंत जी से बोला जाता है कि भाई जाइए देखिए राजा दशरथ अभी तक आए क्यों नहीं। तो सुमंत जी जब जहां वहां जाते हैं तो माहौल देख के चिंतित हो जाते हैं। राजा दशरथ अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, और कैकेयी का साज श्रृंगार देखकर वो समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मगर राजा दशरथ इस बारे में कुछ नहीं बोलते। और माता कैकेयी बोलती हैं कि ये मालूम नहीं क्यों रात भर सोए नहीं है और राम राम की रट लगा रहे हैं, अतः आप जाकर शीघ्र जो है रामचंद्र जी को बुला लाइए, श्री राम को बुला लाइए। सुमंत जी श्री राम जी के पास जाते हैं, कथा आगे बढ़ती है, और रामचंद्र जी जो है वो माता कैकेयी के निवास पर आते हैं, तो देखते हैं कि जो है यहाँ पर जो है कुछ ठीक नहीं है, पिता जो है वो ठीक अवस्था में नहीं है। तो वो पिता की तरफ जब मुखातिब होते हैं तो पिता कोई जवाब नहीं देते हैं, तो वो अपनी माता से पूछते हैं कि माता क्या हो गया, कि ऐसा क्या हुआ कि जो पिताजी की जो है वो मुझे कुशल नहीं दिख रहे हैं। तो कैकेयी जो है अपने दोनों बच्चों की बात प्रभु श्री राम के सामने रखती हैं, तो प्रभु श्री राम तो प्रभु श्री राम है, वो बोलते हैं कि ये तो हर पुत्र के लिए ये बड़ा भाग्य होता है कि वो अपने पिता की आज्ञा के माने। वे कहते हैं कि मैं तो वहां जाऊंगा तो मुनियों से मेरी मुलाकात होगी, उनसे मैं शिक्षा ग्रहण करूंगा और सब प्रकार से मेरा कल्याण होगा, आप चिंता मत करें माँ। और फिर आगे आप बोल रही हैं कि भाई भरत को राज्य की बात करती हैं, तो वो तो मेरे प्राण प्रिय भरत हैं, मैं अगर उनको राज्य मिलता है तो इससे बड़ा सुख जो है मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता।
राम माता से पूछते हैं, मगर माता मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि इतने छोटे से कारण के लिए जो है वो पिताजी जो है वो मुझसे नाराज हैं और बात नहीं कर रहे हैं। तो वो माता कैकेयी कहती हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हे प्रभु, हे राम, तुम तो सभी में सबके प्रिय हो, सबके आदर्श हो, तुमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, इसलिए ऐसा मत सोचो कि पिताजी तुमसे नाराज हैं। पिताजी को कुछ देर के लिए, राजा दशरथ को कुछ देर के लिए होश आता है, वो परशुराम को गले लगा लेते हैं, मगर मुंह से कुछ नहीं बोलते, मन ही मन में प्रार्थना करते हैं कि सभी देवताओं से बोलते हैं कि हे प्रभु, हे महादेव, हमारा दुख दूर करिए। वहां श्री रामचंद्र जो है अपने पिताजी को समझाते हैं कि पिताजी आप दुख मत करिए, मैं तो बस अभी गया और अभी आया, प्रसन्नता से मुझे विदा करिए। और प्रभु तो बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह, मेरे लिए तो जो मनचाहा है वो मिल गया है, और आनंदित होके जो है माता कैकेयी के निवास से निकलते हैं और कौशल्या जी के निवास की ओर जो है वो प्रस्थान करते हैं। इसी बीच में ये जो पूरी बात है वो पूरी अयोध्या में आग की तरह फैल जाती है और सभी लोग जो है वो विधाता को दोष देते हैं कि ये विधाता ने गलत किया। भरत जी के बारे में प्रजा की बहुत अच्छी राय है, तो वो उनकी तुलना शिवी, दधीचि, हरिश्चंद्र से करते हैं, और जितने कैकेयी के प्रिय हैं, जो उनको सम्मान देते थे या उनसे बड़े थे या जिनकी कैकेयी माता सुनती थी, वे सब आ जाते हैं और उनको समझाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं मानती हैं। तो अंत में ये कह के चले जाते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये नहीं समझना चाहती। श्री राम माता कौशल्या जी के पास पहुंचते, माता बहुत खुश है, पूछती हैं कि बता बेटा, वो कौन सा शुभ समय है जब राजा ने तुम्हें राज्याभिषेक देने के लिए कहा है। तब राम माता से कहते हैं कि माता, मुझे पिताजी ने अयोध्या नहीं वन का राज्य दिया है। माता बहुत दुखी हो जाती हैं, मगर उसके बाद भी वो प्रभु श्री राम से व्यक्त ना करते हुए कहती हैं कि बेटा, तुमने पिताजी के आज्ञा पालन करके कुल की प्रतिष्ठा को सुरक्षित किया है, तुम धन्य हो। माता सीता को भी जब यह समाचार मिलता है तो वो भी अकुला जाती हैं और अपने निवास से निकल के और माता कौशल्या के निवास में आ जाती हैं। सीता माता की दशा देखकर माँ भी ये समझ जाती हैं कि माता सीता क्या कहना चाहती हैं। मर्यादा है, बोल तो कुछ नहीं रही हैं, मगर अपने इशारों से समझा रही हैं, और वो कौशल्या माँ भी धन्य है कि वो भी समझ रही हैं कि माता सीता क्या चाहती हैं। माता सीता की वो बहुत प्रशंसा करती है, उनके स्वभाव की, उनके रहन सहन के बारे में बताती हैं कि वो कितनी कोमल है, ये सब बातें जो है करती हैं। और प्रभु श्री राम से जो है वो कहती हैं कि अगर माता सीता मेरे पास रहती है तो मुझे बड़ा सहारा हो जाएगा। आगे की कथा जो है वो हम अगले प्रसंग में अगले गुरुवार के रोज सुनेंगे। अब ये कथा सार मैंने आपको बता दिया, अब इस कथा में जो कुछ विशेष विशेष प्रसंग हैं उनको भी सुनाऊंगा, और दो प्रश्न जो मेरे से पूछे गए हैं आदरणीय वीणा जी ने और आदरणीय विजया जी ने, उसी को मैंने इसी में समाहित किया है, तो आप उन प्रश्नों के उत्तर भी देख सकेंगे। हमने पिछला प्रसंग सोचा था, छोड़ा था कि सांझ समय सा आनंद रिपु गयउ कैकेयी गेह, गबन निठरता निकट किए जनु धरि देह स्नेह। दशरथ स्नेह स्वरूप में स्वयं स्नेह का रूप धारण करके निष्ठुरता रूपी माता कैकेयी के भवन में जाते हैं। यहां पर आदर्श जो है व्यावहारिकता के पास जा रहा है, आदर्श हमेशा नियमों सिद्धांतों की बात करता है, उसमें लाभ गौण होता है, मगर जब व्यावहारिकता होती है उसमें सर्वप्रथम लाभ होता है, इसलिए दोनों की टकराहट हमें इस प्रसंग में देखने को मिलेगी। परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि व्यावहारिकता हमेशा गलत ही हो, दोनों का अपना अपना महत्व है, बस व्यावहारिकता में स्वार्थ ना होकर वह परमार्थ होना चाहिए। जब राजा दशरथ वहां पहुंचते हैं तो पता लगता है कि रानी कोप भवन में है। कोप भवन एक राजा का ऐसा निवास स्थान होता है जहां पर यदि कभी किसी बात से अगर रानी नाराज होती है तो वह अपना साज श्रृंगार और राजसी वस्त्रों को त्याग कर अरे मोटे वस्त्रों को, मतलब मोटे वस्त्रों को पहन लेती हैं,
तो ये माना जाता है कि वो किसी राजसी निर्णय या राजा की किसी बात से वो नाराज हैं, तो राजा समझ जाते हैं कि कैकेयी जो है वो नाराज है। और अगर इस प्रकार का प्रसंग होता है तो राजा के लिए प्रतिष्ठा का विषय होता है, उसकी प्रतिष्ठा के खिलाफ होता है वो। और उस समय जब राजा राम का अभिषेक होना है तो राजा के मन में तो विचार, राजा को तो कुछ नहीं मालूम कि क्या चल रहा है, तो राजा के मन में ये आता है कि अगर ये बात आम जनता में गई तो यह इसका अर्थ यही होगा कि माता कैकेयी जो है वो श्री राम का राज्य अभिषेक स्वीकार नहीं कर रही हैं और वह राजा के लिए अपयश का कारण हो। सुई सुनीतिय रिस गयउँ सुखाई, देखउँ काम प्रताप बढ़ाई, सूल कुलिस असि अंगब निहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। वो कैकेयी को बोलते हैं कि भाई देखो तुम जो है नाराज मत हो, और तुम मुझे अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं जो है वीर हूं, मैंने जो है अपने माफ कीजिए मैं थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर दशरथ जी जो है वो बहुत वीर है, प्रतापी राजा है, उनने अपने शरीर पर त्रिशूल तलवार और वज्र के तक जो है वो बाहर को झेला है, मगर आज वो है कामदेव के पुष्प बाण को सहन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत विचलित हैं, बहुत दुखी हैं कि ये क्या हो गया। राजा जानते थे कि यदि रानी कैकेयी जो है उनसे अगर उनको सहमति मिल जाती है तो श्री राम के राज्य अभिषेक का उनका संकल्प पूरा होगा, और जब वो यहां आते हैं तो उन्हें विपरीत माहौल मिलता है, तो वो बड़े कुंठित हो जाते हैं, बड़े परेशान से हो जाते हैं। राजा ने तो ये सोचा था कि मैं कैकेयी के पास जाऊंगा, उसके दो कारण मैं जो पढ़ के जो भी मैंने पढ़ा उससे समझा कि उसके दो ही कारण थे कि माता कैकेयी पहले ही अपने वचन को भंग कर चुकी हैं। हमने पिछले उसमें सुना था कि उनने कहा था कि भाई ये तो रघुवंश की परंपरा है कि बड़े को राज्य मिलेगा और छोटे सेवा करेंगे, तो जब रानी कैकेयी खुद अपने वचन का भंग कर चुकी है तो वो इसमें अड़ंगा शायद नहीं लगाएंगी और श्री राम के को राजा बनाने में उनको कोई आपत्ति नहीं होगी। और दूसरा एक दुख होता है कि बेटे को राज्य अभिषेक नहीं मिल रहा, तो अगर मैं स्वयं जाके बता दूंगा ये बात को तो वो खुश हो जाएंगी, मगर वो जो है उनकी जो सोच थी वो कुछ बनी नहीं। वहां पर बार बार कह राव सुमुख सुलोचन पिक बाचनी, कारण मोहि सुनाऊ गजगामनी निज कोप। अब राजा यहां पर जो है स्त्री की प्रशंसा के रूप में, वो स्त्री की जो प्रशंसा है उसको शस्त्र के रूप में उपयोग करते हैं, राजा कैकेयी को मनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ चार सुंदरता के अलंकारों का एक साथ उपयोग राजा एक ही सोरठे में कर रहे हैं, सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी और गजगामनी। और पूछते हैं कि भाई क्या हो गया तेरे को, क्या कष्ट है, तू मुझे बताना, मैं जो है तेरे जो है तू मेरे पराक्रम को भी जानती है, मेरे कौशल को भी जानती है, मैं सब कुछ पूरा करूंगा, है ना, तो तुम जो है इतना परेशान बिल्कुल मत हो और मुझे बताइए। इसी बीच में वो कहते हैं भामिनी राम सपत सत सत मोही, तुम जो है मेरे पे विश्वास करो, मैं प्रभु श्री राम की 100 100 बार सपत खाता हूं। जब इतना बात हो जाती है, राजा दशरथ कर लेते हैं, तो माता कैकेयी खुश हो जाती हैं कि चलो बात कहीं जो है वो मंथरा ने जैसी सिकाई पढ़ाई है वहीं उसी तक जा रही है, अब दशरथ जी ने शपथ ले ली है, अब मैं कुछ बोल सकती हूं। इसके बाद जो है आगे दशरथ जी और भी उनको समझाने की बात कहते हैं कि भाई तुम भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। देखो भाई सब तुम्हारे अनुसार हो रहा है, तुम भी कहती थी कि प्रभु श्री राम को राज्य मिलना चाहिए, तो यहाँ पर देखो मैंने जो है वो राम हूं देव काली युवराजू, मैंने ये कर्ण जो है प्रभु श्री राम को युवराज पद देने का निश्चय कर लिया है, और पूरे जो है अयोध्या में जो है आनंद है बधावा चल रहा है, तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम जो है ये जो कोप भवन में क्यों चली गई, मुझे कुछ तो बताओ, तुम्हें जो मांगना हो वो मैं मांग देने के लिए जो करने के लिए तैयार हूं, बेहसी मांगू मन भावती बाता। ये अपन 26वें दोहे की 7वीं लाइन में पहुंच गए हैं। यह सुनकर कैकेयी का कठोर हृदय धलक उठता है, वो बड़ी दुखी हो जाती है कि भाई
उनके मन में तो जो मंत्रा ने सिखा रखा है वो सब दिमाग में घूम रहा है ना, उनको तो बाकी बातें तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। उनके मन में पुत्र प्रेम जागा हुआ है, तो वो जो है प्रभु जैसे ही सुनती है कि रामो देहु काली जुगराजु, तो वो तो बड़ी कुंठित हो जाती है, मगर वो मुंह से कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि उनको मंथरा ने उनको सिखा रखा था कि कब कहाँ क्या बोलना है। जब इतनी बात हो जाती है दशरथ जी बार बार बोलते हैं कि आप वो मांगो मेरे से, क्या चाहिए तुमको, तब वो बोलती है मांगो मांगो मैं कहूं पिए, कबो न दे न ले। बोलते तो रहते हो जिंदगी भर से, बोलते आ रहे हो मांगो मांगो मांगो, मगर देते कभी कुछ नहीं हो। तो राजा दशरथ कहते हैं, उनको लगता है कि हजरत डोली में बात हो रही है, तो वो जो है बोलते हैं कि हाँ देव, ये तो मनुष्य स्वभाव है, ये पुरुष का तो विशेष स्वभाव है कि वो भूल जाता है। अच्छा मुझे याद आ रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है कि तुम वो दो वरों की बात कर रही हो जो मेरे पास तुमने धरोहर के रूप में कर दिए थे। तो ठीक है कही, तुम मुझे जानती हो मैं किस वंश का हूं, तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं उस वंश का हूं जहां पर वचनों के लिए लोगों ने प्राण तक त्याग दिए हैं, तो तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। क्या कही जो है वो अभी भी बहुत बोलती नहीं है, चुप रहती है, और ये जो रघुपति रील इसको अपने मन में रखती है, जिसका उपयोग वो आगे करेंगी। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम हूं ही की कोटि गुंजा। अब उस सत्य असत्य के बारे में भी राजा दशरथ कैकेयी को समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर मैंने इसको इसको सिर्फ इसलिए लिया है कि गुंजा शब्द जो आया है, तो वो मेरे को कहीं से गुंजा मिल गया, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊंगा भी, और मैंने शायद वहां डिप्लोमा में भी डाला भी है। ये देखिए, ये एक छोटा सा दाना होता है और ये माप की बहुत छोटी सी इकाई है, आपको शायद दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ये लाल रंग का होता है, इसके सिर पे एक काला दाना होता है। तो जो हम उम्र हैं वो सब लोग जानते होंगे कि सोनार जो है वो सोना तोलने के लिए इसके सबसे छोटी इकाई जिसको रत्ती कहा जाता है, रत्ती तोला मासा शब्द आपने सुना होगा, तो ये वो रत्ती की बात कर रहे हैं। और आपने देखा ये मैंने वहां भी डाला, ये चिकना भी होता है। तो राजा दशरथ कहते हैं कि सत्य जो है कितना भी बढ़ जाए तो वो गुंजा जैसा है, उसको कितना भी बढ़ा लोगे आप, वो पर्वत के बराबर, सत्य रूपी पर्वत की बराबरी नहीं कर सकता है। बोलते सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मुनि गाए। वो बोलते हैं कि सत्य जो है वो समस्त उत्तम सुकृतों की जड़ है, जिसे वेद पुराण और मनु जी ने भी जो है जगह जगह बताया है। बाबा ने यहाँ पर बहुत अलंकारों का उपयोग किया है, यहाँ भी ये प्रमाण अलंकार के रूप में उपयोग कर रहे हैं, वेद पुराण और मनु जी की बात जो कर रहे हैं। आपने भी सुना होगा कभी कभी इस मंच से भी, बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि ऐसा वेदों में कहा गया है, ऐसा पुराणों में कहा गया है, तो अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे वह कहते हैं कि क्योंकि मैंने श्री राम की शपथ ले ली है, यदि मैं पूरा नहीं करूंगा तो मेरे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तो अभी हमने भी देखा होगा, अच्छा तू सही कह रहा था, जब खाले शपथ, तो ये एक प्रैक्टिकल हमने महसूस भी की होंगी इन बातों को। तो हम अक्सर ऐसा कहते हैं कि जिसकी शपथ खाएंगे तो उसका नुकसान हो जाएगा, या जो जो शपथ ले रहा है उसका नुकसान हो जाए, तो वो भावनाओं का यहाँ बाबा ने उपयोग किया है। कैकेयी को धर्म की सारी बातें निरर्थक और कठोर लग रही हैं, क्योंकि वो तो व्यवहारिकता से सोच रही है ना, उनके जीवन में अभी आदर्श का कोई स्थान है ही नहीं। इस समय वो शिकारी भिलनी बनी हुई है, भिलनी जिमी छाड़न चहित और बचनु भयंकर बाज। और राजा दशरथ जो है वो उनके ऊपर जो है वो उस भिलनी की तरह झपटने की कोशिश करती हैं, जैसे जब वो भिलनी जंगल में पक्षियों के झुंड को देखती है तो वो जो है बाज पक्षी को छोड़ती है उन पक्षियों को पकड़ने के लिए। इस प्रकार कैकेयी अपने समय की प्रतीक्षा करते हुए और राजा दशरथ के सामने अपनी जो मुख्य बात है उसको रखती है। वो मुख्य बात क्या है, उनके दो वचन। पहला वचन है देहु एक बार भरत ही टीका, ये तो बिल्कुल ठीक है कि भाई मैं मेरे पुत्र भरत को राज्य दीजिए, मगर दूसरा वचन जो है वो उसको कहने का ढंग पे मैं पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि वो कहती है कि हाथ जोड़कर मांगती है। वो ये यहां पर ये हमारे को सोचने की बात है कि अकारण यदि कोई बहुत ज्यादा विनम्र हो रहा है तो आप उससे सावधान हो जाइए कि ये अभी तक तो गुस्सा थी और ये, और अभी ये हाथ जोड़कर बोल रही है कि तो यहां पर जब राजा जो है दशरथ से जब वर मांगती है तो वो हाथ जोड़कर बोलती है।
और आप अगर पिछले प्रसंग को ध्यान दें तो मंथरा ने भी कहा था कि स्वतः ही राज राम ही बनवासु, पहला वचन आप क्या मांगेंगे भरत को, दूसरा वचन जो मांगेंगे वो मांगेंगे राम को बनवा, क्योंकि वो तो बहुत चतुर थी, वो जानती थी कि यदि पहले वचन में राम को बनवास मांग लिया तो प्रभु राजा दशरथ को होश ही नहीं रहेगा, तो दूसरा वचन मांगने का समय ही नहीं मिलेगा, इसलिए दूसरा वचन जो मांगती है वो प्रभु श्री राम को जो है वो कैसे मांगती हैं कि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवास। अब यहां पर देखिए कि माता कैकेयी ने जो है कई शब्दों पर तापस वेश है ना, विशेष उदासी और 14 बरस, तपस्वियों का वेश हो और विशेष उदासी, उदासी भाव आपने सुना होगा कि एक साधुओं की एक परंपरा होती है उदासी बोलते हैं उनको, वो जो है वो शहरों में नहीं जाते, वो मंदिरों में रहते हैं और उनको जो भी खाने पीने की व्यवस्था है वो करते हैं, अगर आप लोगों को कहीं परंपरा हो तो उदासी के मंदिर के नाम से वो शहरों में बड़े प्रसिद्ध होते थे और वहां पर लोग जो है जाके देते थे, वो शहर में नहीं जाते थे, तो वहां ये भाव उदासी भाव की बात है कि वो संसारिकता से दूर रहते थे, इसलिए ये लगाया। अब तीसरा शब्द है 14 बरस, इसके लिए मैं स्वयं भी थोड़ा सा जानना चाहता था कि ये 14 वर्ष कहाँ से आया, तो मैंने इस पर थोड़ी सी ज्यादा बात करूंगा इस पर, और इस पर शायद प्रश्न भी पूछा है मुझसे कि प्रभु श्री राम के बारे में तो माता कैकेयी जो है बहुत अच्छे से जानती थी कि ये बहुत जग प्रसिद्ध है, बहुत लोकप्रिय है और इनको राजनीति का भी बहुत अच्छा ज्ञान है, यदि हम बालकांड में अगर हमने ध्यान दिया हो तो वहां पर भी जो है वो प्रभु श्री राम जो है जब शिक्षा लेके आ जाते हैं तो उस बीच में जो है वो सभा में भी जाते हैं, आम जनता से मिलते भी हैं, तो वो जनता से बड़े जुड़े हुए थे, तो रानी कैकेयी का शायद ये विश्वास हो कि इन दिनों में आम जनता के बीच में मैं अपने बेटे भरत का जो है वो पैठ भी बना लूंगी, आम जनता उनको चाहने लगेगी और नियम कानून नीति राजनीति इन सबको वो अच्छे से सीख लेंगे तो राम का डर कम होगा। वाल्मीकि रामायण के सर्ग 9 में भी ये इस बात को विस्तार से कही हुई है कि 14 वर्ष जो है वो मंथरा कैकेयी को बताती है, वहां कहा है तौ च यच्चस्य भरत रामा भरतस्य भी सेचनम प्रवार जनम च रामस्य वर्षाणि च चतुर्दश, ये वाल्मीकि रामायण में मंथरा कह रही है कैकेयी को। और आध्यात्म रामायण को अगर आप देखें तो आध्यात्म रामायण में जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी है वो नारद जी से कहते हैं कि किंतु कला निरोधेन प्रारब्ध संरक्षयात, मैं उसका वध करूंगा जिसका प्रारब्ध क्षीण हो गया हो, तो शायद वो भी एक चर्चा होती है कि रावण को मरने के लिए अभी 14 वर्ष शेष थे, इसलिए माता सरस्वती ने कैकेयी के मन में ये बात भर दी कि 14 वर्ष का वनवास मांगा जाए। आगे भी मैंने इसको और भी खोज करने की कोशिश करी तो कुछ और भी मेरे को मिला इसमें कि कुछ विद्वानों को ऐसा भी मत है कि चूंकि राजा ने 14 दिन बाद, आपने पिछले प्रसंग में सुना है कि मंथरा कहती है कि 15 दिन हो गए इसको, एक पखवाड़ा निकल गया इस समाचार को तो राजा ने अभी तक नहीं सुनाई तुमको ये बात, तो 14 दिन बाद राजा आके सुनाते हैं तो वो 14 एक एक दिन का एक एक वर्ष कुछ इस तरीके से लेते हैं, कुछ लोग इसको कानून के तरीके से लेते हैं कि जैसे कि आज की डेट में यदि 7 साल तक कोई व्यक्ति लापता होता है तो वो हक त्याग हो जाता है उसका, ऐसा नियम में लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि त्रेता युग में ये 7 वर्ष 14 वर्ष के बराबर हो। आगे भी मैंने खोज करने की कोशिश करी तो एक व्यावहारिक पक्ष भी मिला मेरे को कि जब राजनीति में आपने देखा होगा कि 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाता है अगर कोई नेता किसी प्रकार का कुछ वो करता है तो वो जो है 6 साल क्यों, 5 साल में एक चुनाव होते हैं तो 1 साल आगे लग के वो 2 चुनाव टेन्योर के लिए वो बाहर हो जाएंगे, उसी प्रकार मेरे को जो है जो सत्पथ ब्राह्मण में एक चीज मिली कि द्वादश नाम युगा नाम युग संधि भवति, 10 साल की एक संधि बताई है, तो
अगर सॉरी 12 साल की एक संधि बताई है, तो 2 साल अलग हो गए, तो 2 युग की बात कर ली है। मगर ये बात इसलिए मुझे प्रमाणिक नहीं लग रही क्योंकि अगर वेदांग ज्योतिष में देखें तो 5 वर्ष का एक युग माना गया है, और यदि 4 युगों की गणना में हम देखें तो एक युग हजारों वर्षों का माना गया। जो मुझे मिला वो मैंने दिया, अब आप अपना निर्णय इसमें देखिए। दशरथ की मनोदशा के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि गयउँ सहम ही नहीं कछु, कहीं आवा जन सचान जन झपटे उलावा। यहां पर जो है 29वें दोहे पे अपन आ गए हैं, उसकी 5वीं लाइन है। राजा सहम गए, जैसे ताड़ का जो वृक्ष होता है उस पर अगर बिजली गिर जाती है तो वो झुलस जाता है, ऐसे राजा ने जब ये सब सुना तो वो बहुत मतलब झुलस गए, जैसे ताड़ का पेड़ झुलस जाता है। तो राजा दशरथ को कभी इस बात का आभास ही नहीं था कि इसका विरोध मेरे घर में होगा, मेरे घर से ही होगा, क्योंकि स्वयं कैकेयी जो है इस बात को बोल चुकी थी कि कुरु रघुवंश की परंपरा है, तो ये बात उठने की कहीं कोई बात ही नहीं लग रही थी। वो बोलते हैं कि माता कैकेयी को बोलते हैं कि तुमने जो है वो ऐसा काम कर दिया है जैसे कि जो है मेरा जो पूरा जो मेरी मनोकामना थी वो पूरे रौंद दी तुमने, मतलब एक हाथी की तुलना की है उनने कि जो है वो राज्याभिषेक रूपी कल्प वृक्ष जो है उसको रौंद के चली गई हो, जैसे काकी कैकेयी माता। तो वो बोलते हैं, वो आगे बोलते हैं कि अयोध्या तो तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं कर रही हो, इससे अयोध्या तो उजड़ेगी ही, साथ साथ परिवार और अयोध्या में भी विपत्ति आ जाएगी। वो इन सब बातों को सोच सोच कर शिथिल होने लगते हैं और बिस्तर पर पड़ जाते हैं। राजा दशरथ की प्रतिष्ठा और वचन जो है उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई है, वह उसमें बहुत फंसते जा रहे हैं। रघुकुल रीत की उपयोग कैकेयी बार बार कर रही है, पूर्वजों का ध्यान दिला रही है, बलिदान और वंश परंपरा की याद दिला दिला कर उनको आहत कर रही है। वो जो है वो अब अपने आपे में ही नहीं बचे हैं, वो मतलब जिसको कहते हैं ना कि बेहोश हो जाना, उस तरीके की स्थिति उनकी हो गई है। लोभ न राम ही राज कर बहुत भरत पर प्रीति। फिर भी वो उस स्थिति में भी कहकर जो समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम जो है 2 31 पे आ गए हम, कि जो है आप जो है प्रभु श्री राम जो है वो उनको राज्य का कोई लोभ नहीं है, और तुम्हें तो मालूम है कि वो भरत को कितना मोह करते हैं, फिर तुम ऐसा क्यों विचार कर रही हो? और मैं भरत को राज्य देने को तैयार हूं, मुझमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर मैं श्री राम को वन भेजने के लिए तैयार नहीं हूं। कौशल्या को जब समझाते हैं तो जो है कौशल्या जो है इन सब बातों को ना समझते हुए वो बोलती है राम साधु तुम साधु सयाने, और आगे कहती है कि तसफल उन्हीं देहु करी साका। वो बोलते हैं कि हाँ मैं सब समझ रही हूं कि तुम जो है बहुत सयाने साधु हो, और मैं तो उनको भी समझा के रहूंगी। यहाँ पर कौशल्या की बात जो मैंने ऊपर कही थी कि वो मैं उनको समझा के रहूंगी कि मैं भी क्या कही हूं, इस प्रकार की बात तक पे आ जाती है। 33 दोहे पे अपन आ गए हैं। इस प्रकार कैकेयी जो है अब देखती है कि राजा दशरथ पूरी तरह उस उनके जाल में फंस चुके हैं और उन्होंने शस्त्र डाल दिए हैं, तो वो है अपना जो है अंतिम शस्त्र जो है रावण के ऊपर चलाती हैं, और सॉरी राजा दशरथ के ऊपर चलाती हैं कि होत प्रात बुनि वेश धरी जो न राम बन जाहि मोर मरन राहु जस नृप समझियो मन। यदि कल सुबह तक प्रभु श्री राम वनवास को नहीं जाते हैं तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी और उसमें जो अपयश होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। आप जानिए कि क्या होता है। इतने कठोर वचन सुनकर राजा जो है बेहोश हो जाते हैं, और कथा आगे चलती है वही कि भाई राजा अभी तक नहीं आए हैं, और वो सुमंत जी वाली बात जो है आगे आती है। राजा दशरथ से जो है कैकेयी को बहुत तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। मरम बचन सुनि राव कह कहो कछु दोष न तोर लागो तो ही पिसाच जिम कालु कहावत मोर। तो कहते हैं कि तेरा इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो मेरा काल जो है वो जो है तेरे रूप में आया है, मगर मुझे इसका दुख है ये ऐसा मैं आ गया है। उसके बाद राजा
कठोरता से अपनी बात को कहते हैं कि शायद इन बातों को सुन के माता कैकेयी को कुछ ज्ञान आ जाए कि सुबह से बसा ही फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, कहे भाई भाई सकल सेवकाई, हो यही तहु पुर राम बढ़ाई। तेरे द्वारा उजाड़ी इस उजड़ी हुई इस अयोध्या ये फिर से बसेगी, श्री राम के गुणों की प्रशंसा भी होगी और सब भाई हिलमिल के रहेंगे, एक दूसरे की सेवा करेंगे। परंतु तोर कलंक मोर पछताऊ, मुहे न मिटई न जाई काहू। तो सुन, ये जो तेरा कलंक है और मेरा जो पछतावा है ये जीवन भर का हो जाएगा और तू इसके लिए जीवन भर पछताएगी, और अगर तू नहीं अभी भी समझती है तो तू मेरे सामने से हट जा। इस प्रकार प्रेम और निष्ठुरता की पराकाष्ठा यहां पर देखने को मिलती है हमको। जब राजा दशरथ सुबह नहीं उठते हैं तो जो है वो सुमंत जी जाते हैं, तो यहाँ पर प्रभु श्री राम की विनम्रता, जो श्री राम आज हमारे दिल में बसे हुए हैं, उसका कारण यहाँ मिलता है कि आदर कीन पिता समलेगा। जो कल राजा बनने वाला हो, जो राजा दशरथ का पुत्र हो, उसकी विनम्रता देखिए आप कि उन्होंने मंत्री को पिता समान आदर दिया, यही उनको श्री राम बनाती है। सुमंत जी जो है प्रभु श्री राम को सारी बात बता के और कैकेयी के जो है वो धाम में ले जाते हैं, मगर प्रभु श्री राम तो जो है करुणामय मृदु राम स्वभाव वाले हैं, उनका तो बड़ा करुणामय, उनने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था, उनके जीवन में यह दृश्य पहली बार आया। वो तो करुणा के अवतार है, उन्हें ये सब छल प्रपंच ये सब चीजें जो है वो बिल्कुल नहीं भाती हैं। तो वो पिताजी की तरफ मुखातिब होते हैं मगर पिताजी कोई जवाब नहीं देते हैं, तो वो माता कैकेयी से पूछते हैं कि माता ये क्या हुआ है, पिताजी को ये ऐसे क्यों सोए हुए हैं। तो माता बोलती हैं कि पिता तुम्हारे धर्म संकट में है, सुत स्नेहु इतु बचन उत संकट परे नरेश। एक तरफ उनका वचन है और दूसरी तरफ तुम्हारा प्रेम है, इस अरण्य अनरण्य की स्थिति में जो है राजा दशरथ इस हाल में है। तो प्रभु श्री राम बोलते हैं कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। फिर उसके बाद आगे कहते हैं भरत प्राण प्रिय पाव ही राजू, माता इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है, अगर जिसको कल्प वृक्ष मिल रहा वो अरंडी के पेड़ को थोड़ी पानी देगा, ये तो मेरे लिए बहुत सुख की बात है कि भरत राजा बन रहे हैं। और फिर मन ही मन वो तो ये सोचते हैं कि यार मुझे तो फिर वही बात आ जाती है कि पिप्र दैन असुर संतत लीन मनोज अवतार, वो तो अब उनका जो अब जो उनका जीवन का उद्देश्य वो पूरा होने जा रहा है, तो वो कल्पतरु जो है वो वनवास को मान रहे हैं और राज्य को जो है अरंडी मान रहे हैं। तो ऐसे प्रभु श्री राम है और वो मन ही मन इस जो प्रसंग में है जो है बड़े खुश भी होते हैं, मगर ये पिताजी को इस प्रकार देखकर दुख होते हैं और दुखित होते हैं और माता से पूछते हैं कि जरूर मुझसे कोई अपराध हुआ है जिसके कारण पिताजी जो है मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आप मुझे सही सही बताइए कि क्या हुआ है। तो जब देखती हैं कि माता कैकेयी देखती हैं कि प्रभु श्री राम तो तैयार है, उनको तो कोई आपत्ति नहीं है, तो भी थोड़ी सी नरम हो जाती है, बोलती है कि शपथ तुम्हार भरत के आना, तुम अपराध जोग नहीं ताता, तुमसे क्या अपराध होगा, मैं भरत और तुम्हारी शपथ करके खाके कहती हूँ कि इसके अलावा मुझे कोई बात नहीं मालूम, ये दो वचन के अलावा जो है मुझे और कुछ नहीं मालूम। अंत में जो वह है वो अपनी बात को जो है क्लाइमैक्स जिसको बोलते हैं वहां पर पहुंचाती हैं और प्रभु श्री राम को जो है वो बोलती हैं कि तुम पितु मा तू बचन रत अहू, और आगे कहती हैं कि चौथे पन जही अजसु न होई। प्रभु आप बेटा श्री राम तुम जो है माता पिता के वचन का पालन करो और ऐसा करो कि जिसमें चौथे पन में मतलब जो है अपने तुम्हारे पिताजी का जो है अजस यानी उनका जो है अपयश ना हो। चार भागों में बांटने का मतलब वो जो है वो है युवा अपने बालपन युवा अवस्था प्रवीण अवस्था और वृद्ध अवस्था। इसी को जो है यदि हम संस्कार के रूप में देखें तो ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। तो जो है राजा दशरथ जो है अपने चौथी अवस्था में पहुंच गए।
लाग ही कुमुख बचन शुभ कैसे, मांग गयाधिक तीरथ जैसे। माता कैकेयी के वचन तो कड़वे हैं, वैसे ही है जैसे कि गया तीर्थ को बोलते हैं कि वहां पर जो है मृत व्यक्तियों का श्राद्ध किया जाता है, मगर प्रभु श्री राम को तो वो वचन भी गंगा जैसे पावन लग रहे हैं, जहां पर जो है सारे पाप धुल जाते हैं। ये है मेरे प्रभु श्री राम, जिनकी की विचारधारा अपनी माता जो कि उनको वनवास दे रही है उसके प्रति भी जो है गंगा जैसी है। इधर श्री राम के आने की आहट होने से राजा दशरथ थोड़े से सचेत होते हैं और उनको जो है गले लगा लेते हैं। उनकी स्थिति अति विषाद और अति खुशी में, आपने देखा होगा ना, गला रुंध जाता, बोलते नहीं बनता हमसे, वो स्थिति उनकी हो गई है। मनी मन जो है वो प्रभु आशुतोष और अवधारहानी, इन दो शब्दों का चयन बाबा ने किया है, क्योंकि समय बहुत कम है, तो वो ऐसे नामों का, आशुतोष यानी जो शीघ्र प्रसन्न होने जा रहे हैं, और अवधारदानी यानी जो है जो जिनसे मुंह मांगा बदलान प्राप्त हो जाए। तो समय कम है इसलिए वो प्रभु उनका जो शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, आशुतोष और अवधारदानी यानी शीघ्रता से प्रसन्न हो और मैं जो चाहता हूं मेरा मुंह मांगा वरदान जो है वो मुझे दे दो, कि प्रभु श्री राम जो है मेरी बात को नहीं माने, वो यहीं रुक जाए, चाहे उसके लिए मेरा अपयश भी हो और नरक भी क्यों ना मुझे जाना पड़े। प्रभु श्री राम जो है दशरथ जी की जो है वो मनोअवस्था को समझ जाते हैं, बाबा उसके लिए बहुत अच्छा उपयोग करते हैं, पीपर पात सरस मन डोला, कि यानी स्थिर नहीं है वो, कभी श्री राम के प्रति प्रेम और भक्ति दर्शाते हैं तो कभी स्वधर्म में गोते लगा रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा वो अस्थिर है। उस स्थिति में प्रभु श्री राम उनसे कहते हैं कि अतुर लघु बात लागे दुख पावा, इतनी छोटी सी बात के लिए आपको इतना दुख हो रहा है, और मंगल समय सने बस सोच परे ही ताप, और आप अच्छा समय जो है वो ये इसको आप वो दुख मत करिए, ये तो आयसु देह से हरस ही है, कहीं पुल कहीं प्रुगात, आप तो मेरे को आशीर्वाद दीजिए। और मनी मन बड़े खुश होते हैं कि अगर मैं वन को जाता हूं तो मेरा जो उद्देश्य है वो पूरा होगा, और इस प्रकार जो पिताजी कहते हैं कि मैं, आप चिंता मत करिए मैं शीघ्र लौट आऊंगा, आप तो बस मुझे आशीर्वाद दे दिए, मैं माता से मिलके आता हूँ और माता से मिलके आने के बाद जो है वो आपके पास पुनः आऊंगा और आशीर्वाद लेके वन को जाऊं। अब यहां पर माता कौशल्या के बारे में जो है वो कुछ बातें अपन करेंगे। उसके पहले एक प्रसंग छूट रहा है कि वो, हालांकि मैंने ऊपर बता दिया था आपको कि वो जो कैकेयी के जो लोग हैं तो उन लोगों से, तो इसको मैं छोड़ता हूं और आगे अपन चलते हैं, कि एक बहुत अच्छी बात जो है वो इशारों इशारों में जो है वो करते हैं बाबा यहाँ पे, कि चंदु चवयु बरु अनल कनन कन सुधा हो ही विस्तूर, सपन कबहु न करहि किछु भरत राम प्रतिकूल। जो 43 नंबर का जो दोहा है उसमें जो पूर्वासी जो बातें कर रहे हैं जब प्रभु श्री राम के वन की बात होती है, उसमें उनने बहुत अच्छी बात कही है कि चंद्रमा जो है वो आग उगलने लगे और जो सुधा है वो विस्तुल्य हो जाए, मगर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भरत राम के प्रतिकूल हो जाए। ये बहुत अच्छी जो अच्छा दोहा है, जहां पर जो है प्रभु जो माता कैकेयी जो सोच रही है ना कि मैं उनकी प्रतिष्ठा बन, उनकी प्रतिष्ठा तो पहले से बनी हुई है जनता में, कि वो जो है भरत का राम के प्रति प्रेम कैसा है और वो किस नेचर के हैं, तो ये चीज जो है वो वहां पर जो माता होके कैकेयी नहीं समझ रही है, वो जो है वहां के जो निवासी हैं वो बात करते हैं। श्री राम की जो मन स्थिति है उसको भी बाबा ने आगे 51वें नंबर दोहे को आप देखें, मेरा समय हो रहा है मैं थोड़ा जल्दी बढ़ूंगा। अब नव गयंदु रघुवीर मनु राजु अलान समान, और छूट जानी बन गवन सुनी और आनंद अधिकान। प्रभु श्री राम के मन की स्थिति उस नए पकड़े हुए हाथी के समान है जो कि कांटेदार लोहे की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, मगर वो वन को लौट के जाना चाहता है।
वो सोचता है कि ये राम जो राज्य की बात जो हो रही है वो तो उस लोहे की बेड़ी के समान है, ये किसी प्रकार जल्दी से छूट जाए और मैं जो है अपना, फिर वही बात है कि मैं अपने मंतव्य विप्र धेनु सुर संततः, मैं राक्षसों का नाश करूं और जो है बन को जाऊं। अब यहाँ पर जो है वो माता के पास जब जाते हैं तो माता उनको आशीर्वाद देती है, दूधो ना पूतो फलो। वाल्मीकि रामायण में तो और आगे बढ़ के कहा है उनने कि धर्मात्माओं, बुजुर्गों, महात्माओं और राजाओं के समान उम्र यश धन धान्य पाओ। ये वाल्मीकि रामायण में जो है सर्ग 20 का 23वां श्लोक में आपको मिलेगा। माता की पराकाष्ठा का विवरण जो है बाबा की जो भाषा है उसमें यहाँ देखने को मिलते हैं। स्त्रवत प्रेम रस पयद सो आए, प्रेम रस मतलब माता का स्नेह इतना प्रभु श्री राम के प्रति है कि उनके आंचल से दूध दूध निकलने लगता है। बाबा की भाषा, बाबा किसी बात को समझाने के लिए कितने सुंदर शब्दों का और कहाँ तक जाते हैं ये यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। माता उनसे पूछती हैं कि भाई वो कौन सा सब समय निश्चित किया है बताओ। तो अब देखिए यहाँ पर एक बड़ी व्यवहारिक सी बात है कि आपने भी सुना होगा अपनी माता से, अपनी पत्नी से, यानी वो अपने बेटे को राजा बेटा करके ही बुलाती हैं। तो राजा अब स्वयं अगर मान लीजिए किसी माता का पुत्र राजा बन रहा हो तो वो कितनी प्रसन्न होंगी, कितनी खुश होंगी, इसकी आप कल्पना करिए। तो यहाँ जो है कौशल्या जी की खुशी व्यक्त की है, मगर आगे जो है माता कौशल्या जो है अभी कुछ ज्यादा बात नहीं कर रही। देखिए यहाँ मातृत्व को बाबा ने बहुत, मैंने बहुत छोटी कम चीजें इसमें ली हैं। क्या कहती है वहां पर कि तात जाऊ बलि बेगी नहाऊ जो मन भाव मधुर कछु खाऊ। तो हम घर से निकलते तो हमारी माता क्या कहती, बेटा कुछ थोड़ा सा खा के जाना, मालूम नहीं बाहर मिलता कि नहीं मिलता, कब आओगे, कितना समय हो जाएगा। ये मातृ प्रेम देखिए आप, मातृ प्रेम की तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं जो मन भाओ मधुर कछु खाऊं, पहले कुछ खा पी लो फिर बात करेंगे कि आगे क्या हुआ। अब इतना सब प्रेम के भाव में प्रभु श्री राम कैसे बताएं, वो बहुत शांत है मगर उनका दिल बहुत ज्यादा जो है परेशान है कि मैं इस बात को कैसे बताऊं, धर्म धुरी न धर्म गति जानी। वो फिर भी वो धीरे से माता को बोलते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू, माता मेरे को तो पिता ने जो है बन का राज्य दिया है, जहां सब भांति मोर बड़काजू, मैं जाऊंगा तो वहां मेरे बड़े बड़े काम होंगे जिसको मेरे मुझे करना है। तो बड़ी व्यावहारिक सी बातें हैं और जो है आम जीवन में भी यहाँ पर देखने को मिलती है कि पिता या माँ जब बच्चों को बोल रहे तो उतनी दूर जो नौकरी पे जा रहा है ये है, तो बच्चे क्या, अरे माँ हम हमारी प्रोग्रेस होगी, हम प्रगति होगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छे पैसा मिलेगा, ये है ये सब। तो प्रभु श्री राम भी बोल रहे हैं कि भाई जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। जैसे ही माता कौशल्या सुनती है तो शब्द तीर के समान उनको लगते हैं मगर छुपा जाती है। गदगद वचन कहत महतारी, खुश होके बोलती है कि वाह बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया और तू जो है पिता की आज्ञा का जो है वो पालन कर रहा है। ये है माँ, अंदर से तो बहुत दुखी है मगर गदगद वचन बड़े खुश होके कहती है। आगे देखिए बाबा ने जो है यहाँ पर मेरी ख्याल से, मैं अगर नाम शायद मेरी ख्याल से मैं नाम भूल रहा हूँ, एक मैडम ने यहाँ पर पूछा भी है कि मंत्री पुत्र का वृत्तांत जो है बाबा ने क्यों दिया है, मैंने भी इसमें लिखा था यहाँ पर। यहाँ पर बाबा जो है वो राम की मर्यादा को बताने के लिए मंत्री पुत्र का सहारा ले रहे हैं। वो यहाँ मेरे को कहीं भी नहीं मिला कि वो मंत्री पुत्र कौन था, वो पिता की बात को जो है आज्ञा मान रहे हैं और पिता के प्रति जो सम्मान है उसको दर्शाने के लिए वो माँ के सामने उस प्रसंग को व्यक्त नहीं करना चाहते, वो पिता के वचन को सम्मान दे रहे हैं और माँ के दृष्टि में भी पिता को नीचे नहीं गिरना देना चाहते, इसलिए वो स्वयं इस बात को नहीं बोलते। अगर हम अगले अब जब आगे बढ़ेंगे तब हम देखेंगे 125 दोहे की 8वीं लाइन में अगर आप देखेंगे तो वहां पर वाल्मीकि जी से राम बता रहे हैं सब बातों को कि जही जही भांति दीन बनु रानी,
रानी ने मेरे को कैसे बनकर दिया है ये, वो बड़े विस्तार से वहां वाल्मीकि जी को बताते हैं। और यही मेरे प्रभु श्री राम है कि कहाँ कब कहाँ किससे कैसी बात करना है, माँ और पिता के बीच में किसी प्रकार की भावनाएं ना बदले। इसलिए वो जो है इस यहाँ पर मंत्री के पुत्र को लेके आए हैं बाबा ने। तो यही बाबा की भी विशेषता है और यहाँ प्रभु श्री राम की विशेषता है कि वह अपने माँ के सामने अपने पिताजी के लिए कुछ नहीं बोलते। एक और छोटी सी बात है, मेरा समय आज मैं थोड़ा समय आप लोगों का ज्यादा लूंगा, 5-7 मिनट। तो लिखत सुधाकर गा लिखी राहु, एक बहुत अच्छी बात कही है, इसको भी दो दो 1 मिनट में बताता हूं कि यदि आपको चंद्रमा बनाने के लिए कहा जाए तो हम अर्धचंद्र ही बनाते हैं, और कोई आपका हाथ हिला दे तो वो बीच में भरा जाएगा तो मगर जैसा दिखने लगेगा। तो मगर जैसा दिखने लगेगा मतलब हो जाएगा क्रूर हो जाएगा वो। और चंद्रमा कैसा है, शीतल सुख और आनंद देने वाला, वैसे ही यहाँ पर हुआ है। माता कैकेयी ने जो है हाथ हिला दिया है, चंद्रमा की शीतलता राहु में बदल गई है, वो क्रूर हो गई है। माता कौशल्या जो है धर्मपरायण है, राजा दशरथ और राजा माता कौशल्या जो है वो अपनी बात को किस तरीके से रखती है, मैं उसके बारे में 2-3 मिनट में आपसे जरूर बात करना चाहूंगा। तात जाऊं बल कीन हुनी का, पितु आयसु सब धर्म धर्मक टीका, और जो पितु मात कहूं बन जाना, जो कानन सत अवध समाना। ये 55 और 56 दोहे में अपन आ गए हैं। और बड़ भागी बनु अवध अभागी, बन जो है वो बड़े भाग्यवान है, अवध अभागी हो गई है। और इसके बाद आप जो 56 दोहा है उसमें अब आगे आप जाएंगे तो आपको जो है वो कुछ भगवान माता कौशल्या जो है पुत्र प्रेम को छोड़ती हुए मिलेंगी, स्नेह को दूर हटाते हुए मिलेंगी। और वो जो है कि सब ही जियत जही भेंट हो आई, हम सबके जीते जी आपसे मिल लेना, हमसे आके एक बार मिलना जरूर, बन जा रहे हो तो ठीक है। मैं तुमको स्नेह में ये नहीं कहूंगी कि तुम मुझे मन ले चलो, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि तुम जो है रुक जाओ, क्योंकि वहां पिता की आज्ञा खत्म होती है। मैं बस एक निवेदन तुमसे करूंगी कि हमारे जीते जी तुम लौट आना और हमसे मिलना। यहाँ पे एक चीज और पूछी थी कि पुण्यों का सब कर आज सुकृत फल बीता, 57 दोहे की 5वीं लाइन के बारे में। यहां भी मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि अगर प्रभु श्री राम की कृपा, सिर्फ कृपा यदि हमसे हट जाती है तो जीवन में हमारे दुख मिलते हैं, तो यहां तो प्रभु श्री राम ही स्वयं जा रहे हैं। तो आप अपनी कल्पना करिए, उन लोगों की कल्पना करिए, अयोध्यावासियों की, माता पिता की, कि जो भगवान जिनसे दूर जा रहे हो उनकी विपत्तियां, उनके कष्ट कितने बढ़ने वाले हैं, ये बात को समझाना चाहे। यहां माता कौशल्या की मनोदशा के बारे में और छोटी सी बात करूंगा कि अब प्रेममय आक्रोश माता का जो है वो यहाँ पर दोहा 57 में आपको देखने को मिलता है। मेरा समय हो चुका है, मैं 5 मिनट और लूंगा। कि समाचार तहीं समय सुनी सिये उठी अकुलाई, माता सीता को जब समाचार मिलते हैं तो वो अकुला उठती है और आती है। अब इसमें जो है कि चारु चरण नख लेख अति धरनी, नुपुर मुखुर मधुर कवि कवि बरनी, यहाँ बाबा ने बहुत सारी बातें कह दी हैं। यहाँ बाबा प्यार की बात कर रहे हैं, समर्पण की बात कर रहे हैं और चेतावनी की बात कर रहे हैं। इसको हम अगले प्रसंग में लेंगे, क्योंकि अगले प्रसंग में प्रभु श्री राम जो है वो माता को समझाएंगे बन नहीं जाने के लिए। अब यहाँ पर जहां पर कौशल्या का प्रेम आक्रोश 59 की 7वीं लाइन है, सोई सी चलन चाहती बन साधा, आय सुकाहा हो ही रघुनाथ था। यहां पर दो बातें बड़ी बड़ी जो हैं कौशल्या जी कहती हैं कि अगर माता सीता तुम्हारे साथ जाने की बोल रही हैं तो तुम्हारी क्या आज्ञा होगी रघुनाथ, पुत्र का संबोधन नहीं है। यहां पर माता जो है वो आक्रोश भी व्यक्त कर रही है और दुख भी व्यक्त कर रही है कि और अब वो जो है पुत्रत्व और मातृत्व छोड़ के पट्टाभिषेक जो है वो रानी के रूप में आ जाती है। अंतिम दोहा है वो है कि कहि प्रिय वचन विवेकमय, कीन मातु परितोष, लगे प्रबोधन जानकी ही प्रगटी विभिन्न गुण दोष। अब इन गुण दोषों के बारे में हम
अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी जो है वो बात, 55 हो गया है, मैं 3-4 मिनट और लूंगा आपसे कि इसके थोड़े से दार्शनिक पहलुओं के बारे में बात करूंगा। कि मैंने पहले भी बताया है कि यहां पर आदर्श का एक पक्ष है और व्यावहारिक का पक्ष है, मगर दोनों में संतुलन बनाकर चलना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। सत्य को कहने के लिए बाबा ने सिर्फ आधी अर्धाली में बात कही है कि राम ही देव काली जुवराजू, मगर असत्य को कहने के लिए कैकेयी माता के थ्रू द्वारा उनने कसम भी कह दिया, वंश परंपरा भी कह दी, और जहां तक कि मृत्यु तक पहुंच गए हैं। यहां पर तीन गुणों की जो बात हुई है, मैंने ऊपर कहा था, मगर अब समय नहीं है इसलिए विस्तार में नहीं जाऊंगा मैं इसमें, कि सत, रज और तम, श्री राम और कौशल्या जो है वो विशुद्ध सात्विक पात्र हैं, राजा दशरथ तामस गुणों के साथ तामसिक पात्र हैं, सात्विक पात्र हैं, और कैकेयी और मंथरा शुद्ध तामसिक प्रवृत्ति के द्योतक हैं। इसको अगर विस्तार से अगर आपको पढ़ना है तो गीता का 14वां अध्याय जो है वो उसका नाम ही है गुणत्रय विभाग योग, उसमें आप पढ़ें। मैंने थोड़ा सा लिखा था मगर मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं जो है आगे इसको छोड़ रहा हूं। और यहां पर जो गीता की जो बात है उसको जो 5वां श्लोक आप देखेंगे तो उसमें जीवात्मा की बात कही है, तो बाबा ने तो बहुत सरल से कह दिया कि हुई है सोई जो राम रची राखा, वही होगा जो राम ने रचा है। अब मैं और भी चीजें मैंने लिखी थी उनको मैं छोड़ रहा हूँ, आगे मैं बात करता हूँ कि राजयोग के लिए अष्टांग योग की बात जैसे मैंने पिछले प्रसंग में कही थी, तो यहाँ पर भी जो है 5 क्लेशों के बारे में बताया है कि अविद्या, अस्मिता, राग, विद्वेष और अविनिवेश, ये 5 जो जो है हमारी जो अविद्याएं हैं, षड़ दर्शन में इसके बारे में सांख्य शास्त्र में दिया गया है। और अगर पतंजलि योग प्रदीप अगर आपके पास हो तो प्रश्न नंबर 92 पे आप पढ़ें तो आपको बहुत विस्तार से मिल जाएगा कि राजा जो दशरथ हैं वो संगति का कैसे असर पड़ता है, कि जो कि धैर्यवान, दयालु, सद्गुणी, नीतिज्ञ और वीर हैं, गुरु का आदर करने वाले हैं, विद्या और विवेक को जानने वाले हैं, वो कैकेयी के कुसंग में आके किस प्रकार जो है वो असहाय हो जाते हैं, इसका वर्णन अध्यात्म रामायण में भी किया है। समय नहीं है इसलिए मैं छोड़ता जा रहा हूँ, आपको बताते जा रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए कि सर्ग 2 के श्लोक 82-83 में भी कहा है। और उत्तर कांड में अगर आप जाएंगे तो ज्ञान दीपक प्रसंग यानी काकभूषण गरुण प्रसंग जो है उसका दोहा 114 के आगे आप इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा ले सकते हैं। अब समय कम है इसलिए छोड़ रहा हूँ, और शिक्षा में 2-3 बातें कहकर मैं अपना विराम दूंगा कि बच्चों को हमेशा जिंदगी में दिल से आशीर्वाद देते रहना चाहिए, क्योंकि शब्दों की अपनी ताकत होती है। बड़ों को और अपने लक्ष्य को हमेशा सम्मान देना चाहिए जो मानव के उच्चतम स्तर पे आपको पहुंचाएगा। आदर्श और व्यावहारिकता के अंतर को समझकर ही कोई मांग मांगना चाहिए। व्यक्तिगत और क्षणिक लाभ भविष्य के लिए दुखदायी हो सकते हैं, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने हितेशी, बुजुर्गों को, गुरुओं की हमेशा बात मानना चाहिए, और हम अगर कोई मांग कर रहे हैं तो उसमें विकल्प का स्थान अवश्य रखना चाहिए। माता कौशल्या जैसे बच्चों की खुशी जो है उसको, अपने दुख को छुपाना और बच्चों की खुशी में शामिल होना, ये हमें सीखना चाहिए। इशारों में अपनी बात को करना सीखना चाहिए, इतनी शिक्षाएं मिलती है। जय श्री राम, माफी चाहता हूं मैंने 5 मिनट ज्यादा लिया आप लोगों का। जय जय श्री राम। बहुत जय अच्छा श्री जी, बहुत राम, जय श्री राम, जय श्री राम, अच्छा बढ़िया, कहा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अति उत्तम, सुंदर व्याख्या, बहुत सुंदर व्याख्या, मजा आ गया, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, समय कम बहुत पड़ा, हम लोग भी बहुत। ज्यादा सुनना चाहते थे, जो जो आप नहीं कह पाए वो सुनना चाहते थे। चलिए फिर कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे। बहुत ही अच्छी सुंदर व्याख्या, बहुत सुंदर रवि जी, सुंदर, बहुत बहुत सटीक और सुंदर व्याख्या, बहुत बहुत बधाई राकेश जी, इतना गहन अध्ययन के बाद में ही इस तरह की बातें आती हैं। आपने देखा कि उन्होंने कितने कितने संदर्भ से अध्यात्म रामायण, बहुत वाल्मीकि रामायण,
और अन्य ग्रंथों का भी संदर्भ दिया, तो इस तरह का वक्तव्य बड़ी मेहनत के बाद में आता है, तो इनको बहुत बहुत साधुवाद। कितना अध्ययन करने के बाद में, तैयारी करने के बाद में आप वक्तव्य दे रहे हैं, तो इसका सारा श्रेय आपको है सर, कि आप हमको जो है उत्साहित करते हैं और हम लोग इतना पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप साधु आपके पात्र हैं। हाँ, मैं तो श्रेय लेने में तो हमेशा आगे रहता हूँ, तो श्रेय लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर वास्तविकता कुछ और ही है। अब मुझे ऊपर डर लगने लगा है कि अब मुझे तो बोलने की हिम्मत ही नहीं होगी, अब इतना अच्छा, इतनी मेहनत कर पा रहे हैं, परिश्रम कर पा रहे हैं, इतना बढ़िया बढ़िया वक्तव्य दे रहे हैं, तो पर चलो आप लोग दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, काम तो ही रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रसंग, आपको। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी, प्रसंग कथा कहानियां बहुत थी, तो बढ़ गया प्रसंग थोड़ा सा, अब नहीं आपको नहीं नहीं बीच में बिल्कुल छोड़ नहीं, आप दिया। बिल्कुल समय पर है, कोई कोई नहीं पड़ा, और सारी बातों को बहुत अच्छी तरह से समेटा है, बहुत अच्छी प्रस्तुति की है, वास्तव में बधाई के पात्र हैं। मैं एक दो छोटी सी बातें करूँगा, जो जो अंग्रेजी में कहते हैं हाउस कीपिंग। अब हमारे इस कोर्स के 12 सत्र हो चुके हैं और 12 क्लास हो चुकी है, कहना चाहिए मुझे, और 12 क्लास यानी करीब 1/3, 35% जितना हो चुका है। तो अब मेरे ख्याल से हम काफ़ी मेच्योर हो चुके हैं, तो कुछ कुछ थोड़ा सा नियमों को थोड़ा सा ध्यान में रखें। एक तो अब हम कई बार क्विज के आपके प्रश्न होते हैं, स्वाभाविक है। अभी एक बहुत बड़ा प्रश्न चल रहा है, कैकेयी को वनवास 14 वर्ष का दिया है, किसने दिया है, तो बड़ा उत्तम प्रश्न है, और उसका उत्तर हम आपको देंगे, आप चिंता मत करें, प्रश्न में कोई गलती नहीं है। पर क्विज समाप्त होने के 2 दिन बाद तक प्रतीक्षा करें, तब उसका विल गिव द आंसर। तो क्विज जब चल रहा है तो उस समय हम उसका उत्तर नहीं दे सकते। तो जैसे प्रथम परीक्षा में 2-3 प्रश्न ऐसे थे, तो उनके सबके मैंने उत्तर पोस्ट कर दिए हैं, आपने देख भी लिए होंगे। इसी प्रकार ये प्रश्न या कोई और भी प्रश्न हो, अब जैसे क्विज अभी सब बंद हो गया, तो क्विज 11 का कोई प्रश्न हो आप पोस्ट करिए, और उसका अवश्य हम आप देंगे। पर ये भी नहीं कि आपके मान लीजिए 10 में से 7 प्रश्न गलत होंगे, आप 7 तो पोस्ट कर रहे, तो इसका अर्थ ये है कि मतलब आपको पढ़ने की आवश्यकता है। हम उन्हीं प्रश्न का उत्तर देंगे जो बहुत सारे लोगों के प्रश्न गलत, बहुत सारे मित्रों ने उसको गलत किया हो। तो ऐसे ऐसे कई बहुत कम प्रश्न होते हैं, तो आप अवश्य पोस्ट करें, पर क्विज बंद होने के 2 दिन बाद ही मैं उसका उत्तर दूंगा, उसके पहले नहीं। ठीक है ना, फेयर है कि नहीं? तो उसके पहले उत्तर दे दिया फिर क्विज कहाँ बनी। दूसरी बात, जो क्विज का मैं आपको बार बार रिमाइंडर भेजता हूँ, करीब हर रोज याद दिलाता हूँ, वो अब मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि आप क्विज पोस्ट हो गए, आपको पता है कब है, आप हमें जिम्मेदारी समझना चाहिए कि तब पोस्ट है, ये लिंक है, और फिर जिस दिन आपका क्विज लेने का मन हो उस दिन आप फिर सब ये प्रश्न मत डालिए कि अच्छा क्विज 12 का लिंक कहाँ है, आपको पता है लिंक कहाँ है, आप स्वयं ढूंढिए, क्योंकि इसका मतलब है कहीं किसी को कहीं लिंक ढूंढनी पड़ेगी, वो डालेंगे, वो सारा अनावश्यक संवाद व्हाट्सएप पर चलता रहता है। तो एक बार क्विज पोस्ट हो गई, हो सकता है बीच में आदत से भी मैं भी मजबूर हूँ, आपको याद दिलाऊंगा क्विज क्विज बाकी ये करिए करिए, पर वो मेरे ख्याल से अनावश्यक है, उससे हम थोड़ा सा दूर रहें। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम अब मेच्योर हो गए, ये 1/3 कोर्स हो गया, हम भी बिल्कुल वयस्क हो गए, तो उस हिसाब से चलें। अगली जो एग्ज़ाम है, सेकंड एग्ज़ाम जो अयोध्या कांड पर आधारित है, वो मार्च के प्रथम सप्ताह में होगी, तो अभी तो करीब 1.5 महीना शेष है, तो आप चाहें तो उसका अध्ययन शुरू कर सकते हैं। उसी तरह की एग्ज़ाम होगी, वही 25 प्रश्न होंगे, उसमें एक दो टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं, अभी अभी प्रश्न पत्र बना नहीं है, तो थोड़ा गंभीर अध्ययन करें तो आपके काम ही आएगा। चौथी बात थी, वही तीसरी बात थी, और छंद का क्लास शुरू हो चुका है, आपको पता है कई लोग आप में से जुड़े हुए हैं, उसका भी पहला क्विज चल रहा है, तो उसमें अभी भी छंद के क्लास में आप जुड़ना चाहें तो अभी भी आप जुड़ सकते हैं, मैं एक बार और उसका लिंक आपको भेज दूंगा रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद में फिर हम उसको बंद कर देंगे एडमिट करना। उसमें मेरे ख्याल से करीब 90 के ऊपर 93-94 स्टूडेंट्स इस समय जुड़े हुए हैं, जिन्होंने जो आप डिप्लोमा कोर्स में हैं और आपने डिप्लोमा कोर्स की फीस पे की हुई है, तो उसमें आपको फीस करने की पे करने की आवश्यकता नहीं, वैसे इसकी टोकन 500 रुपये फीस है,
वो भी आप ना देना चाहें, ना देने में असमर्थ ना हो तो मेरे थोड़ा सा नजर डाल दीजिए तो उसको मैं वेव कर देंगे। वो हमें 500 रुपये का कोई मोह नहीं है, पर हम चाहते हैं सीरियस लोग इसमें जुड़े। रामायण कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं आपको कह चुका हूँ, बड़े जोर शोर से चल रही है, कई लोगों के पेपर्स और पास आ चुके हैं, और उसमें आप लोग आइए, और अगर आप पेपर प्रेजेंट करना चाहें तो उस पर विचार करें, उसका एब्स्ट्रैक्ट बनाएं 50 से 100 शब्दों के बीच में, और वो सबमिट कर दें। और जैसे मैंने अभी कहा, दोबारा मैं रिपीट करूंगा कि आप व्हाट्सएप पे बार बार ना पूछें, अच्छा क्विज की लिंक कहाँ है, क्विज बंद हो गई क्या, क्विज की डेट क्या है, हम सब कई बार भेज चुके हैं, थोड़ा सा ऊपर जाके देखने की आवश्यकता है। और व्हाट्सएप पे जो 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 भी कमेंट आप भेजते हैं या मैं डालता हूँ, हम में से कोई डालता है, अगर वो लगता है कि अनावश्यक है, उसको मैं समय समय पर डिलीट करता रहता हूँ, ताकि आपका भी आपके फ़ोन में भी जगह बची रहे। तो अगर आपको लगता है आपका प्रश्न आपने पूछा उसका समाधान हो गया, तो उसको आप डिलीट कर दीजिए सबके लिए, फॉर ऑल, ताकि वो एक स्पेस बचा रहे और ढूंढने में इजी रहे। और अंत में छंद क्लास की मैं बात कर ही चुका है, मेरे ख्याल से ये सारी बातें हो गई। अभी आज का जो राम कैकेयी के वनवास वाला प्रसंग था, मैं इस पर एक बचपन में हमारे पिताजी सुनाया करते थे, मैं उनकी सुनी सुनी सुनाई बात कहता हूँ कि कैकेयी माता राम को बड़ा स्नेह करती थी, और ये तो वहाँ यहाँ भी स्पष्ट है, मथुरा मंथरा से कितना लड़ाई झगड़ा करती हैं, उसको उल्टा सुलटा सुनाती हैं। तो ये हुआ कैसे, तो हमारे पिताजी ये सुनाया करते थे, तो इसलिए मैं आज आपको सुना रहा हूँ। उनका ये कहना था, वो कहते थे कि जब बचपन में बच्चे थे चारों भाई, तो अपना आंगन में खेलते रहते थे, बच्चे तो खेलते ही हैं, और भोजन के समय जब जब लंच का टाइम होता था, डिनर का टाइम होता था, तो सब पिता दशरथ और तो चारों भाई उनके साथ बैठ कर भोजन किया करते थे महाराज। तो लंच का एकदम समय हो गया और बैठे महाराज दशरथ, तो बच्चे तो थे नहीं, बोले बच्चे कहाँ हैं, उनको बोला, बोले बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बोले उनको लेके आओ तभी बैठेंगे। तो उन्होंने एक दासी को भेजा, दासी आई वहां पर के, चलो चलो राम भैया पिताजी बुला रहे हैं। तो वो भी बच अड़ गए, राम जी के, हम तो नहीं आ रहे, हम तो खेल रहे हैं यहाँ पर। तो वो दासी आई कि राजकुमार तो आ नहीं रहे, मैं क्या करूँ। तो माता कैसल ने कहा कि चलो मैं लेके आती हूँ। सो कौशल्या माता आई और राम जी को कहा कि चल भाई बेटा चलो, पिताजी प्रतीक्षा कर रहे हैं और भोजन का समय हो गया। तो राम जी ने फिर अकड़ गए कि नहीं, हम तो नहीं आ रहे, हम तो नहीं खेल रहे, जाओ जाओ अब जाओ। बच्चा आपको बताइए, बच्चे एक बार अपनी जिद पे आ जाए तो आ जाए, वो आ गए तो अब क्या किया जाए। तो माता कैकेयी ने कहा, मैं राम को समझा बुझा के लाती हूँ। तो कौशल्या जी हंसने लगी कि मैं गई, मैं उसकी माँ हूँ, मेरे से वो नहीं समझा तो इससे क्या समझ, इससे क्या होगा। कैकेयी जी गई, अब कैकेयी जी की प्रतिष्ठा का सवाल हो गया। तो कैकेयी ने वहाँ राम को घर में बुलाया, बेटा चलो, माँ माँ बुला रही हैं, पिता बुला रहे हैं, भोजन के लिए बैठे हुए हैं, आप चलो। बोले हम तो नहीं जा रहे, हम तो खेलेंगे यहाँ। बोले मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है बेटे, तुम्हारी माँ ने मुझ पर ताना दिया है, तो क्या बुला के लाएगी, तो अच्छा ऐसी बात है। तो बोले मैं चलने के लिए तैयार हूँ, पर एक शर्त है। बोले शर्त क्या? बोले माँ, मैंने जैसे अभी चौबे जी ने कहा था कि दर्पधेनु संत हेत लीन मनुज अवतार, मैंने आपको राजा बनने के लिए अवतार नहीं लिया, मेरा तो मुझे और बड़े काम करना है। तो आप, मेरी शर्त यह है कि जब मुझे राज्याभिषेक हो, राज्याभिषेक मेरा होगा, उस समय आपको महाराज से दो प्रण जो आपके पास हैं उनके, वो मांगने पड़ेंगे, उसमें से एक प्रण यह है मुझे वनवास भेजें, ताकि मुझे वहां पर जाकर राक्षसों का वध करने का अवसर मिले। उस प्रण से कैकेयी बंधी हुई थी, और उसके कारण उन्होंने समय आने पर राम को जो उन्होंने प्रण दिया था उसका प्रयोग किया। तो ये मैंने अपने पिताजी से एक बात सुनी थी, उन्होंने भी कहीं से सुनी होगी, तो मैंने सोचा कि आज उचित अवसर है आपसे साझा करूँ। जय श्री राम। आपने सुना ही है कहीं किसी ने इस तरह की कहानी? लोगों ने कहा है, सुना था पहले भी। छोटी हाँ बच्ची प्रवचन करती है, बहुत छोटी सी है वो, इस तरह के
बताती है वो। हाँ, तो इस प्रकार की कथा कहानियां बहुत हमारे शास्त्रों में हैं, और उनमें से बहुत कई कई बार मेरे ख्याल से लिटरली रिसर्च करना कोई आवश्यक नहीं है, इसका भाव को हमें समझना चाहिए, पीछे भावना क्या है। ये तो कहानी मैंने भी सुनी थी, पर ये जो रामायण का प्रोग्राम आ रहा है इसमें आप लोगों ने किसी ने वो ताड़का वाली स्टोरी देखी की थी, उसको वो यज्ञ करने वाले उनकी वजह से वो राक्षसी बन गई, आप लोगों ने देखा है श्रीमन नारायण रामायण का प्रोग्राम जो आजकल चल रहा है? हाँ अभी चल रहा है, उसमें ये दिखाया है। हाँ, कि बिल्कुल ताड़का तो जी बड़ी अच्छी थी और वो राक्षसी बन गई क्योंकि उसे ऋषियों ने यज्ञ श्राप दे मार दिया उसके हस्बैंड को। दैट सीम्स वेरी सिली टू मी। गलत। हाँ, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो टेलीविजन के शोज हैं उसमें मैं समझता हूँ काफी चीजें बिल्कुल जो आज के जो लेखक हैं जो जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं उनकी बनाई हाँ बनाई स्टोरीज हैं, मतलब वो कहीं हाँ चेंज बिल्कुल, नहीं। हाँ इनफैक्ट तो जो बिल्कुल सनातनियों को खत्म करने के लिए जरूर ये कर, प्रोग्राम बनते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सनातनियों को खत्म करने के लिए कर रहे हैं, वो उनके लिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टीआरपी रेवेन्यू, यू नो उनके बिजनेस है उनका, ये एजेंडा है कि वो सनातनियों को खत्म कर रहे हैं, वो एक अलग टॉपिक है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, जो जो कहता है सुनते जाइए, जो आपको वो सुनते क्योंकि जो जाइए। टेलीविजन एक ऐसा माध्यम है कि वो एक कमर्शियल माध्यम है, राइट, कि जब तक शो चलता रहे तब तक उनकी रेवेन्यू आता रहे, तब तक उसको चलाते रहेंगे। और भी दुनिया भर के टेलीविजन शो आते हैं, सास बहू के, यू नो, पति पत्नी के, इधर उधर के, और वो खींचते रहते हैं मसाला जोड़ जोड़ के, और वो सीधी सच बात है, जब तक वो चलेगा। अब ये मेरे बेटे को 5 5 साल का बॉलीवुड का अनुभव बॉम्बे में था, तो वहाँ पे तो कि जितनी जो एक्टर जो मेन एक्टर एक्ट्रेस है या हीरोइन है उसकी जितने आंसू गिरेंगे उतना ही उसका टीआरपी बढ़ता है, इसलिए अगर एक्ट्रेस खुश है और हंसती है तो वो शो बंद हो जाएगा। तो उनको बार बार बताना पड़ता है कि जो उस पर बड़ी पीड़ा है, वो रोती है बड़े दर्द में, कष्ट में, उसी आदि आदि आदि, तो उनका फॉर्मूला अलग है। तो ये बात जो धार्मिक शो उसमें हो रहा है, तो उसमें ऐसी कथा कहानियां किससे बिल्कुल काल्पनिक को इसलिए जोड़ देते हैं ताकि उनका शो चलता रहे, यू नो, उनका बेसिक बिल्कुल फंडामेंटल रीजनिंग वो है, और वो उनकी दृष्टि से, इसलिए वो पहले शुरू में डिस्क्लेमर डाल देते हैं कि इसको हम सही है, मनोरंजन हाँ के लिए दिखा हाँ रहे हैं। मनोरंजन के लिए हमने बनाया है, नहीं, इसमें लेकिन कई चीजें काल्पनिक इसका जुड़ी हुई हैं, बच्चों, वो शुरू में कह देते हैं वो कई चीजें काल्पनिक जुड़ी हुई है, इवन जो लेकिन बच्चे हाँ इसको सही मान लेते हैं ना, बच्चे सही मान लेते हैं, वो गलत करते हैं। तो वो तो अब हमारी हमारी जिम्मेदारी है, बच्चे के बड़े आप सही मान पढ़िए, लेते आप पढ़ेंगे तो बच्चों को सही बात बता हैं, इसीलिए तो ये कक्षा चला रहे सकेंगे। हैं ओम जी, मैं कहा इसीलिए तो ये कक्षा चला रहे हैं कि बच्चों को बता सकें। तो हम एक अपने बात और समझ में आती है कि दशरथ और राम के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी की रिलेशनशिप शायद उतनी नहीं थी जैसी केकई सुन ने शेयर की। यदि दशरथ और राम के बीच में स्नेह को छोड़कर और भी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती जैसे बेटे और बाप के बीच में होती है, तो केकई के बारे में जो कुछ हुआ, केकई ने जो रोल किया, वो केकई के बारे में तो बहुत कुछ उसके नेचर को जानते थे, और यदि वो जानते थे तो उसको वो शेयर अपने बेटे से कर सकते थे, और यदि वो कर चुके होते तो कोई ना कोई उसका अच्छा नतीजा राम और दशरथ बैठ के निकाल सकते थे। बाप बेटे के बीच में निकालना एक ही तो अच्छी नहीं था, अंडरस्टैंडिंग अगर बहुत निकलता तो जरूरी है। रामायण से भाई निकालना ही नहीं और था दूसरी बात यह है कि निकाला यदि ये होता तो ही नहीं राम का ऐसा भीषण विरह दारुण दुख दशरथ को एकाएक नहीं होता। किसी बात को वो घर में उन्होंने छिपाना बताना नहीं था, चाहिए, दशरथ तो घर का जो बता, घटनाचक्र है उसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना चाहिए। बात में ये कहना चाह रही हूँ, जो भी घर की वातावरण है, परिस्थिति है, जो भी अंतर्मन की स्थिति है, अपने परिवार जन के बीच में उठ बैठ के उसको पूरा शेयर करना चाहिए। केवल एक ये पक्षीय सिखाया स्नेह अंधा होता है, और ये अंधा मोह जो था दशरथ का, भले ही वो भानुकुल भूषण और जो भी थे, लेकिन इस तरीके से मोहाशक्ति से लिपटा दशरथ का ये चरित्र ये कहता है कि घर में, परिवार में, अपने बाल बच्चों के साथ सब कुछ स्पष्ट रिलेशनशिप मेंटेन करनी चाहिए, और उसी का ये पछतावा दशरथ को हुआ, वरना इस तरीके से दशरथ के प्राण तो ना जाते। तो
पुत्र का विरह इस तरीके से हुआ, दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती तो मेरे को नहीं लगता दोनों बहुत कुछ उसका कोई ना कोई मेकआउट कर लेते कि नहीं भाई ऐसा नहीं, अपन ऐसा देख लेंगे, उस टाइम ऐसा कुछ होगा तो तुम ऐसा कुछ कर लेना, समझे, जैसे आज बाप बेटे कर लेते हैं। पर उनकी दशरथ उतनी कहीं उतनी ऐसा उतनी उम्र आकार थी ना हम देखते, हमारी बुद्धि में ऐसा लगता है कि कहीं चूक हुई है, चूक तो भारी की है दशरथ ने, हम तो है ना। एक वो बात तो बहुत ज्यादा कहना चाह रहे हैं कि अभी जो तैयारी हो रही भाई, हम तो अब पहुंच गए हैं और ये सोचा करते हैं कि जब सही में आए होंगे तो कैसा लगा होगा। एक एक पल हम लोग इस बात को अनुभव कर पा रहे हैं इस समय कि जब आए होंगे ऐसा उत्साह रहा होगा, वो मतलब सच में फील कर पा रहे हैं। और वहां पर बात ये भी फील होता है कि दशरथ नहीं थे, तो इस बात को सोच के आंख में आंसू आज मेरे 2-3 बार आ गए कि दशरथ जी तो थे नहीं, सब लोग आप मतलब इतना अच्छा लग रहा है इस समय, इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसी एनर्जी क्रिएट हुई है कि संभव ही नहीं थी, संभव ही नहीं थी। बिल्कुल इतनी खुशी है, आप उतना बड़ी भाग्यशाली हैं विनीता जी, बहुत भाग्यशाली हैं कि मतलब अंदर से मन ऐसे कसक जाता है कि दशरथ नहीं थे, सब लोग थे पर दशरथ जी नहीं थे ये दिन देख। बिल्कुल 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 सही कह रहे, इस समय सवा दस और राम के भाग्य को देखिए कि ना वो जिस पिता ने वरदान के रूप में मांगा ना उसके देहावसान के समय वो थे, और जब उनके नहीं पुत्र थे। जन्म हुए वो सुख भी उन्होंने नहीं देखा। और अभी भी सुना है कि वो कुछ राम के अयोध्या जी के पास उनकी कोई वो बनी हुई है जहां उनका फाइनल रिचुअल्स हुए थे, और वहां बिल्कुल वो एक अनजान सी हो चुकी है और उसमें कोई नहीं जाता देखने, और कुछ उसके बारे में आज भास्कर में छपा है कि दशरथ जी बिल्कुल की अनोटिस है। हाँ वो जहाँ पे दशरथ का पूरा क्रिया कर्म हुआ था, मतलब वो पिता का मोह सब कुछ होने के बाद भी आज वो एक हाशिए पे हैं। मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगा, पहले मैंने महाराज दशरथ पर भी एक वक्तव्य इसी जूम पर देने का प्रयास किया था। आपको रुचि हो, अब मुझे मुझे इस समय खुद को स्मरण नहीं है कि मैंने उस समय क्या कहा था, जो कोई मैंने कहा होगा। तो अगर आपको दशरथ के चरित्र के बारे में जो मैं समझता हूँ, अगर आप जानना चाहें, वो पूरा 1 सवा घंटे का पूरा वक्तव्य है, तो आप उसको देखें और अपनी टिप्पणी दें। और आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, और अगले सप्ताह फिर चौबे जी को सुनेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, और जो मैंने आप सबसे निवेदन किया है क्विज और उन सब के बारे में, कृपया उस पर प्लीज़ ध्यान दें, ताकि जो अनावश्यक हम लोग आपस में प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका उत्तर दे दिया जाते हैं, वो सब कुछ हम थोड़ा बस दे रहते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, हरे पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। ॐ वसतो मा सद्गमय, तं सोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्री राम। जी।